किसान भाइयों नमस्कार, मैं पिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, धान की खेती करने वाले कई किसान भाइयों ने कमेंट किया है कि धान रोपाई के बाद कितने दिन बाद फसल को यूरिया देना चाहिए और पहले यूरिया के साथ फसल को और क्या क्या दें जिससे फसल अच्छे से ग्रोथ करे। तो किसान भाइयों, धान रोपाई के 15 से 25 दिन के बीच में हमें धान की फसल को पहला यूरिया दे देना चाहिए। धान रोपाई के बाद पौधे ग्रोथ करने लगते हैं, जड़ें फैलने लगती हैं, ऐसे समय में पौधों को सबसे अधिक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की ज़्यादा आवश्यकता होती है। यह वह समय होता है जब पौधे से कलों का फुटाव भी शुरू हो जाता है। रोपाई के बाद से पौधे की अनवरत ग्रोथ होती रहे और फसल का संपूर्ण विकास हो तो उसके लिए धान की फसल को पहला यूरिया 15 से 25 दिन के बीच में ज़रूर दे देनी चाहिए। अब बात आती है कि पहले यूरिया के साथ क्या क्या मिलाकर देनी चाहिए। तो पहले यूरिया के साथ जिंक सल्फेट 33%, 3 से 5 किलो, और सल्फर WDG 80%, 3 से 4 किलो प्रति एकड़ यूरिया के साथ मिलाकर देना फसल के लिए बहुत बढ़िया साबित होता है। पहले यूरिया की मात्रा की बात करें तो प्रति एकड़ 40 से 45 किलो यूरिया लेनी चाहिए। जिंक सल्फर के अलावा यदि और कुछ देना चाहते हैं कि जिससे फसल और अच्छे से ग्रोथ करे तो उसके लिए सुमिटोमो कंपनी का लाटू 4 किलो प्रति एकड़ या बायोवीटा 4 किलो प्रति एकड़ या सागरिका 10 किलो प्रति एकड़ ले सकते हैं। इनके इस्तेमाल से भी फसल का संपूर्ण विकास होता है, फसल हरी होकर अच्छे से ग्रोथ करती है। इसके अलावा यदि आपकी फसल में फंगस आदि का भी प्रकोप दिख रहा है तो फंगिसाइड के रूप में आप कापर ऑक्सीक्लोराइड 50% WG का भी 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया में शामिल कर सकते हैं। धान के रोग को रोकने के लिए कापर सबसे बेस्ट दवा है। कापर की जगह पर आप चाहें तो टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG वाले टेक्निकल का भी 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया में शामिल कर सकते हैं। इस टेक्निकल को यदि आप लेते हैं तो सल्फर की मात्रा कम कर सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, इस तरह से यदि आप धान की फसल में पहला यूरिया 15 से 25 दिन के बीच में देते हैं तो आपकी फसल बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करती है और पौधों से अधिक कलों का फुटाव भी होता है जिससे आगामी समय में धान की बढ़िया पैदावार भी मिलती है। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।